Welcome my dear students, welcome in your own channel that is Bright Future Academy. Today we are going to start class 7 exercise 2.4. Question number 1. This is question number 1 here. This is 12 divided 3 upon 4. So students, अब हमारे पास only 12 given है आपको, तो इसका meaning क्या है? इसमें आपका हमेशा denominator 12 upon 1 तो होता ही है, और बीच में हमने divide को as it is लिख दिया. सो स्टूडेंट्स, इसमें अब हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है. तो स्टूडेंट जिसको आता है, मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही आता होगा, क्या करते हैं इसमें, अगर जिसको आता है दैट्स वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता आई एम एक्सप्लेनिंग इट फुली. तो स्टूडेंट्स अगर हमें, हम डिवाइड को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें डिवाइड को किस में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में. सो स्टूडेंट दिस इज 12 अपॉन 1, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया. अब मल्टीप्लाई में जब हमने डिवाइड को चेंज कर दिया तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा. चेंज क्या होगा आपका, ये 4 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 आपका डिनोमिनेटर में चला, मींस ये एक्सचेंज कर लेंगे अपनी प्लेसेस. तो ये आपका 3 अपॉन 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3. सो ये आपका 4 अपॉन 3 हो गया. सो स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें, इसमें आप देखिए इसको, अगर ये अब हमारा सिंपल सा एक मल्टीप्लाई बन गया है फ्रैक्शन वाला, इसको रिड्यूस करते हैं और इसका आंसर निकाल देते हैं. जैसे 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 16 upon 1. So this is the answer of question number 1 first part. Let's come to question number second part. This is again 14. This is only 14. So what we have to do, we have to put 1 in denominator. Then divide, we will write it as it is. This is 5 upon 6. Now students, again we will apply the same thing. That is, ye divide kya ho jayega aapka, multiply mein change ho jayega, aur numerator denominator mein aur denominator numerator mein. सेकेंड पार्ट का हमेशा ध्यान रखना. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें पता तो रहता है कि रेसिप्रोकल करना है, पर वो रेसिप्रोकल फर्स्ट पार्ट का कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाता है. स्टूडेंट्स सेकेंड जो होगा, सेकेंड पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, उसका रेसिप्रोकल करा जाएगा. दिस इज 6 upon 5. अब स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें, इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. 14 6 = 84 upon 5. अब ये हमारा क्या है, इंप्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, और उसको चेंज करते हैं हम डिवाइड करके. तो कर लेते हैं 5 से 84 को डिवाइड, 5 × 5 और 5 × 6 = 30, और 30 आपका आ गया, बचा क्या 4, जो रिमाइंडर बचता है वो पर अपॉन 5. तो ये आपका आंसर आ गया 16 whole 4 upon 5. सो लेट्स कम टू थर्ड पार्ट. दिस इज 8 upon 1 नाउ divide 7 upon 3. So student this is again we will do reciprocal of second part. This is 8 upon 1 × 3 upon 7. So students अब देखिए इसमें reduce तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, numerator की multiply कर देंगे और denominator की multiply कर देंगे. This is 8 × 3 = 24 upon 7, and again it is a improper fraction. We have to convert it into mixed fraction. This is 7 × 3 = 21. तो ये आपका आंसर आ गया, जो आपका डिवाइड करके आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर और नीचे आपका डिवीजर. तो अगर इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर आने का, आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं. 7 × 3 = 21 + 3 = 24 upon 7. नहीं, लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट. दिस इज 4 upon 1 / 8 upon 3. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है आपका, इसको आपको किसमें, मल्टीप्लाई में चेंज करना है. मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए अगेन रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड पार्ट. तो ये आपका 8 upon 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 upon 8. अगेन रिड्यूस हो रहा है, 4 × 4 = 8. दिस इज 3 upon 2. अब ये दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. तो ये आपका आ जाएगा 1 whole 1 upon 2, जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे. सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. स्टूडेंट लेट्स कम टू फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में आपका अगेन सेम थिंग, 3 upon 1 है आपका, क्योंकि इसके नीचे न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर तो गिवन है नहीं, तो 1 लगाना ही पड़ेगा हमें. अब ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया, तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड, 3 × 2 = 6 + 1. ये हो गया डिवाइड बीच में 7 upon 3. अब स्टूडेंट्स आपको, अब
अब आप अच्छे से अवेयर हैं कि हमें जो सेकेंड पार्ट है उसको रेसिप्रोकल कर देना है. तो दिस इज 3/1 मल्टीप्लाई 3/7. सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू, क्योंकि कुछ भी हमारा रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो 3 × 9/7. सो स्टूडेंट्स अब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करना पड़ेगा. 7 को 9 से डिवाइड, 7 × 7 और ये क्या हो गया 2. तो 7 होल 2/7. तो 7 × 7 और 2 9/7. क्लियर. तो अब हम आ जाते हैं 6th क्वेश्चन में. दिस इज 5/1 डिवाइड, अगेन ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 7 × 3 = 21 और 4 कितना हो गया 25/7. अब स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और ये 7/25 हो जाएगा आपका. क्लियर. 7/25 अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं. 5 × 5 = 5 दिस इज 7/5. 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 5 को 7 से, तो 5 × 5 बचा कितना 2. तो 2 आपका ऊपर आ गया, नीचे 5. स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट पार्ट होल, लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट. सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 2, हम 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें सेकेंड क्वेश्चन में इन्हीं चीजों से मिलना है. तो कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर्स. तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके क्या होते हैं, जहाँ पे आपका न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मींस न्यूमरेटर आपका छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा. एग्जांपल्स कर लेते हैं बहुत सारे, जैसे 2/3, न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, और आपका हो गया 4/5, 3/2, 6/9, 5/10. तो ये सब क्या है, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है. मींस जो न्यूमरेटर है आपका, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है फ्रैक्शन का पार्ट. तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट मींस इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होना है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या हो जाएगा, जैसे 2/3 है, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके न्यूमरेटर बड़े होंगे और डिनोमिनेटर छोटे होंगे. तो स्टूडेंट जैसे 4/3 हो गया, 9/8 हो गया, 3/2 हो गया, 7/5, 10/9, 12/11. तो ये सारे क्या हैं आपके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं. और हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होता है, क्योंकि हम डिवाइड अपने जो डिवाइड किसे करेंगे, छोटे से बड़े को तो डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने का एक पूरा प्रॉपर वे मिल जाता है. जैसे आप 3 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 8 से 9 को कर सकते हैं, 2 से 3 को कर सकते हैं. तो ये हमारे हमेशा देखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हमारे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होते हैं. तो लेट्स कम टू होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है, पूरे नंबर्स होल, ठीक है. तो जैसे हमारा होल नंबर्स आपको बहुत अच्छे से फ्रेंडली है, आप 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं. जैसे आपका हो गया 0, 1, 3, 5, 9, 6, ये तो आपके होल नंबर्स हो गए. अब क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं. अगर आपका आ गया 3/1, तो इज इट अ होल नंबर, यस ये भी आपका होल नंबर है स्टूडेंट्स, ये भी आपका होल नंबर है, क्योंकि अपॉन वन हर किसी नंबर के पीछे नीचे होता ही होता है. अपॉन वन ये समझ लीजिए, क्योंकि हर एक चीज क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, तो ये आपका सारे नंबर जो है इसमें अपॉन वन तो होना ही है नीचे से. बट अपॉन वन के अलावा कोई और नंबर आ गया, वन के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो वो होल नंबर नहीं होंगे. अगर हमारा किसी भी नंबर के नीचे 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ होल नंबर, बट एक्सेप्ट 1, देयर शुड नॉट बी एनी नंबर एल्स. सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर्स. सो स्टूडेंट्स हमने अभी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर अच्छे से स्टडी कर लिया है. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेसिप्रोकल. अभी नया टर्म आ गया आपका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा. रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना. तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं. 3/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 7/3. अब 7/3 आपका क्या है,
प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर होल नंबर है. स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर इट इज. लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन. 5 upon 8, now we will do a reciprocal of 5 upon 8, it will be 5 upon 8 upon 5. 8 upon 5 is again an improper fraction. This is I-M-P-R-O-P-E-R, improper fraction. अब आ जाते हैं थर्ड में, थर्ड पार्ट 9 upon 7. 9 upon 7 का reciprocal हो जाएगा 7 upon 9. तो 7 upon 9 हमारा क्या है? Numerator छोटा है, denominator बड़ा, that means it is प्रॉपर फ्रैक्शन. अब क्या आ जाए फोर्थ पार्ट में, फोर्थ सिक्स, सिक्स अपॉन फाइव है इसका उल्टा, फाइव अपॉन सिक्स. फाइव अपॉन सिक्स इज अगेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब 12 upon 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 upon 12, और 7 upon 12 is again a proper fraction. अब स्टूडेंट इसमें आ जाइए 1 upon 11 है आपका, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 11 upon 1. एंड 11 upon 1 मैंने आपसे भी होल नंबर्स के केस में आपको बताया था, 11 तो होल नंबर है ही, बट अगर 11 के नीचे डिनोमिनेटर 1 आता है दैट मींस इट इज आल्सो अ होल नंबर. तो ये आपका 11 अपॉन 1 का मतलब क्या है, ये 11 ही है. हम 1 लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, 1 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है. ठीक है, तो ये आपका हो गया 11 अपॉन 1 इज अ होल नंबर. स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट होल एंड दिस इज ऑल डन इन दिस वीडियो. And we will meet with question number 3 in next video. And if you are liking the video, if you are understanding everything, just click a like button and do subscribe my channel. Thank you so much.